आलू में हम पहले डाल देंगे जीरा, इसके बाद मेरे पास नमक है जिसमें सारे मसाले मिक्स हैं, ये नमक डालेंगे, लहसुन, हींग, जीरा और मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च, उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कचौड़ी के लिए हम आटा गूंद लेंगे। आटा मेरे पास गूंदा रखा हुआ है और ये आलू मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे। कचौड़ी के लिए जो आटा गूंदा जाता है थोड़ा सा ढीला गूंदा जाता है ताकि ठीक से फिलिंग उसके अंदर भर सके। हम इसको भर के तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में हमने तेल गरम होने रख दिया है और कचौड़ियाँ बना लेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से बेलना है, साइज आप छोटा है बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर गरम और भी कचौड़ी बना के रख लेंगे जब तक हमारा ऑयल गरम होता है। चार पांच कचौड़ियाँ बनाकर तैयार करके रख ली हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देना। ये हमारी सारी कचौड़ियाँ के तैयार हैं। अब इन्हें हम चाय के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। हमारी कचौड़ियाँ बनके तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।